Krishna. And this recording will be available on the YouTube channel also. Right. So let's start with the webinar. And before that, we'd like to share some information about the Academy. Academy, to करीब एक साल से कुछ समय ज्यादा हुआ जब हमने Academy शुरू की थी with the motive to spread. I'm keeping the bikes off. अगर किसी को चाहिए तो प्लीज रेज दी हैंड बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ नॉइस इन बिटवीन. So with the intentions and with the vibrations that spreading the Vedic culture, spreading the Vedic knowledge. और काफी प्रयास के बाद हमने और काफी चीजों की स्टडी के बाद ये स्थापना की थी इस एकेडमी की. कंसिडरिंग द फैक्ट दैट जो कॉमर्शलाइजेशन है और लोग प्रयास करते हैं सीखने के लिए, लोग जाना चाहते हैं बट कॉमर्शलाइजेशन की वजह से लोग नहीं कनेक्ट कर पाते, उस सबको मद्देनजर देखते हुए इसको एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह हमने विद अ वेरी मिनिमल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हमने इस एकेडमी की स्थापना करी, इसको स्टार्ट किया. एंड फ्यू एक्टिविटीज भी स्टार्टेड लाइक जो भी सब्जेक्ट्स डिलीवर होंगे दैट सब्जेक्ट्स विल बी डिलीवर बाय द फैकल्टीज दोज हैव द हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ऑन द सब्जेक्ट. मतलब ऐसा नहीं है गूगल बाबा का ज्ञान या यूट्यूब का ज्ञान आगे हमने शेयर कर दिया, इट्स नॉट लाइक दैट बिकॉज दे शुड कैरी द एक्सपीरियंस ऑफ सर्वर एरियाज विद देम बिकॉज तब एक सब्जेक्ट को जानने में समझने में मजा आता है, नहीं तो एक बड़ा ही औपचारिकता मात्र रह जाती है और वो करेक्टिविटी नहीं मिलती है. तो वी एंश्योर दैट एकेडमी एंश्योर दैट ऑल द सब्जेक्ट्स आर बीइंग डिलीवर्ड. टुडे वी हैव लाइक 11 फैकल्टीज ऑन बोर्ड विद द एकेडमी, दोज हु आर डिलीवरिंग डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज हीलिंग से रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी वास्तु से रिलेटेड सब सब्जेक्ट्स रिलेटेड, और उनके क्षेत्र में वो लोगों के पास किसी का 15 साल का किसी का 25 साल का अपना एक्सपीरियंसिस कैरी कर रहे हैं उन मोडालिटीज के ऊपर दे डिलीवर द सब्जेक्ट. सो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है. इसी माध्यम से अभी जो आज के वेबिनार में जो हमारे फैकल्टी हैं ही इज डूइंग दिस प्रैक्टिस फ्रॉम बचपन, तो अपने क्योंकि उनके जीवन काल में उनका बैकग्राउंड ही ज्योतिष शास्त्र से कनेक्टेड है, उनके बैकग्राउंड में उनके फोर फादर कनेक्टेड थे, परिवार से उनको काफी लाभ मिला इस विषय में और बचपन से ज्योतिष के साथ कनेक्टेड है वो, तो उनके विषय में बात करेंगे. उससे पहले मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा एकेडमी की. वेल कंसिडरिंग द फैक्ट दैट बहुत सारे लोग काफी सारी चीजें सीखना चाहते हैं, लगातार प्रयास करते हैं एंड इस एकेडमी इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए हमने हमेशा योजनाएं एकेडमी उनके लिए प्रोत्साहन के लिए देती रहती है कि दोज हु आर डूइंग मल्टीपल कोर्सेज एकेडमी चाहती है कि उनकी जो बजट है वो कंट्रोल में रहे एंड उसके लिए हमेशा कुछ स्कीम्स होती है जो लॉन्च होती है. इस समय जो स्कीम्स हैं दैट आई जस्ट रिपीटेड वेरी क्विकली बट ये स्कीम्स आपको आपके ग्रुप से मिल भी जाएगी. वन दैट हूएवर डू दी कोर्स एनरोलमेंट फॉर मल्टीपल मंथ्स का जो कोर्स एनरोलमेंट है अकेडमी गिव 15% डिस्काउंट टू दैम. एंड सेकेंड इफ एनीबडी डिड 7000 प्लस ऑफ कोर्सेज इन अ पर्टिकुलर मंथ देन अदर 15% डिस्काउंट आर गिवन एंड अ रेफरल डिस्काउंट ऑफ 15% आर गिवन. डिटेलिंग उसकी आपके दोस्त में आपको मिल जाएगी, उसमें हम टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं करते. उसके बाद एक चीज मैं यहाँ पे और शेयर करना चाहूंगा, जो सब्जेक्ट्स हम डिलीवर करते हैं ये एक बड़ी बड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है. कोई भी सब्जेक्ट एक बारी में पूरा हाथ पे देखने नहीं आता. इट्स लाइक एवरीबडी नोज दैट कि एक किताब को पढ़ते हैं तो उस किताब को रिपीटेडली पढ़ना पड़ता है तब जाके वो किताब हमारे जहन में उतरती है. चाहे बच्चा पढ़ाई करे चाहे हम पढ़ाई करें, बच्चा तो फिर भी कर लेता है ग्रैप, हमें अपनी एज में आने के बाद थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है. सो सेइंग दैट इस पर्सपेक्टिव पे ऐसा बहुत बार होता है कि हम देखते हैं कि कोई भी कोर्स को जब हम कर लेते हैं उसके बाद उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या तो नहीं देती दी जाती या उसकी रिपीट नहीं मिलता. एकेडमी एंश्योर टू प्रोवाइड वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी क्लास वी कंडक्ट एंड दैट इज फॉर विद यू फॉर लाइफ टाइम सो दैट आप जब भी कभी बात इस चीज पे देखना चाहे इसको रिवाइज करना चाहे तो आप कर सकते. सेकेंड नेक्स्ट सब्जेक्ट जब भी ये सेम सब्जेक्ट नेक्स्ट टाइम आएगा दैट एकेडमी एंश्योर दैट यू विल गेट फ्री एनरोलमेंट. यू नीड टू कनेक्ट इट टू द एकेडमी बट यू विल गेट फ्री एनरोलमेंट. एकेडमी डोंट चार्ज अ सिंगल पाई फॉर रिपीट एनरोलमेंट क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि इस संस्कृति को इस कल्चर को दूर दूर तक फैलाएं, भारत वर्ष एक बार जगत गुरु बने और हम उसमें थोड़ा सहयोग अपना जो दे सकते हैं वो दें और इसके माध्यम से हमारा कल्चर बेटर होगा, आप सबका घर परिवार आने वाली जनरेशन बेटर होगी और हमें भी आने वाली जनरेशन में कभी तो आना ही होगा तो वो हमें वापस प्राप्त होगा. तो ये इसका बेसिक जो मैंने आपसे शेयर किया. तो कमिंग टू दी सब्जेक्ट, आज का सब्जेक्ट आपका आज का वेबिनार एक नक्षत्र का वेबिनार, नक्षत्र नक्षत्र के बारे में काफी लोगों को जानकारी होगी
और जो आज की फैकल्टी है वो डेफिनेटली विल एक्सप्लेन मच डिटेल और लेक्चर पर. मैं फैकल्टी के विषय में कुछ बात कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा आपके साथ. मिथुन जी ने अपनी जर्नी शुरू करी करीब बचपन में, जब स्कूल एज में थे तभी से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू कर दी थी. वाइल डूइंग दी स्कूल स्टडीज तो एक अच्छा मतलब एक फील होता है भी, चलो ठीक है कुछ लोगों को बता दिया, खेल बता दिया, बच्चों को बता दिया, स्कूल में लड़के लड़कियां होते हैं तो बच्चों ने खेल खेलने बता दिया तो कुछ चीज़ें अच्छा कनेक्ट मिल जाता था. उस टाइम पे उनकी वो सिद्धि होनी शुरू हो गई. उस टाइम पे जो वो रीड किया, जो परिवार से मिला, उन्होंने जो शेयर कर दिया, वो कनेक्ट होना शुरू हो गया. ये खेल खेल में चीजें चलती रहती थी. जब एक आदमी मेच्योर स्टेज पर आ जाता तब उसको फील होता है कि अगर ये ऐसा हो सकता है तो व्हाई नॉट आई कैन डू अ लिटिल बेटर फॉर दी समाज. इन्होंने समाज के लिए कार्य करना शुरू कर दिया. इन्होंने लोगों का हैंडवीक करना शुरू किया. इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फार्मेस्ट. इन्होंने जो एस्ट्रोलॉजी और फार्मेस्ट का कॉम्बिनेशन बनाने शुरू किए. इन्होंने हॉस्पिटल में, क्योंकि हॉस्पिटल में जॉब करते थे तो उन्होंने वहाँ पे जो पेशेंट आते हैं उनका हैंड रीड करने शुरू कर दिए कि उनके हाथों में ऐसा क्या है जिसके वजह से वो आए. उनका क्योंकि किसी का एस्ट्रोलॉजी चार्ट मांगना तो वहाँ तहजीब नहीं बनती, तो उन्होंने हाथ के माध्यम से एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट करना शुरू कर दिया कि इसके हाथ में ऐसा क्या था कि ये यहाँ से लैंडिंग लेने सकती. इस तरीके से इन्होंने अपनी एक्सपीरियंसिस को बहुत ज़्यादा विकसित किया और लाइव वर्किंग करी है. सारे स्टूडेंट्स इतनी लाइव वर्किंग करी है कि मतलब लाइक दोज एक्सपीरियंस ही इज कैरिंग, वो बुक्स पे भी जनरली नहीं मिलेंगे. और कई बार ये बुक्स से हट के काफ़ी चीज़ें डिलीवर कर जाते हैं इसी वजह से. और नक्षत्र ज्योतिष का एक पार्ट है, मतलब एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है अपने आप में. तो उसके ऊपर इनका इतना स्ट्रॉन्ग पकड़ है कि क्योंकि नक्षत्र तो रूट है, एक तरीके से बेस लाइन है जिसके ऊपर ज्योतिष का आधार चल रहा है. और उसके ऊपर आमतौर पर चर्चा नहीं करी जाती, आमतौर पर उस पर विचार नहीं होता. जनरली अगर केपी भी इंसान करता है तो केपी के अंदर भी वो प्लैनेट है उसके नंबर पकड़े कर देता है, जबकि नक्षत्र से ही वो नंबर आ रहे होते हैं पर उसके ऊपर विचार नहीं करता. नक्षत्र का अपना एटीट्यूड होता है, नक्षत्र का अपना बिहेवियर पैटर्न होता है, उसके ऊपर विचार नहीं करते. देन ही हिमसेल्फ कम फॉरवर्ड स्टेटिंग दैट कि सर नक्षत्रों के ऊपर हम काम कुछ करते हैं, नक्षत्र में हमारे जो जितने भी हमारे गेट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कुछ नक्षत्र के बारे में कुछ शेयरिंग करें ताकि उनका भी विकास हो और उनको नक्षत्र में डिटेलिंग के ऊपर काम कर सकें. और इनका अपना तजुर्बा बहुत बड़ा है क्योंकि परिवार से, जैसे मैंने बोला, पूजा पाठ में जैसे आप देखते हो पूजा पाठ में तो हमेशा नक्षत्रों की ही प्रोनाउंसिएशन होती है, नक्षत्रों पर ही काम होता है. लेकिन पॉइंट किया जाता है फिर वही कि उसकी डिटेलिंग तो हम सीखते नहीं है एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड के अंदर, आमतौर पर हम छोड़ देते हैं. तो यहाँ पे आज हमने एक प्रयास किया कि हम इसके ऊपर काम करेंगे और इसके ऊपर इस जर्नी को हम तय करेंगे नक्षत्रों के माध्यम से और पूरी एस्ट्रोलॉजी को नक्षत्रों के माध्यम से तय करने की कोशिश करेंगे इस जर्नी के अंदर. ये हमारा एक प्रयास है. और मिथुन जी इसके ऊपर बहुत ही उमदा किस्म के फैकल्टी हैं, बहुत स्ट्रांग फैकल्टी हैं एंड वेरी वेरी ग्राउंडेड पर्सन है मिथुन जी. एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव अ वेरी वार्म वेलकम टू मिथुन जी. मिथुन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके आज के वेबिनार में. एंड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ऑल ऑफ यू टू प्लीज गिव अ वेरी वार्म वेलकम टू मिथुन जी. थैंक यू आपका शुक्रिया आज के लिए. थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए एंड आपका समय के लिए, आपकी एनर्जी के लिए आपका धन्यवाद. एंड ये प्लेटफॉर्म आपको समर्पित है. यू प्लीज टेक ओवर दिस एंड कैरी ऑन. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच सर. राजीव सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कुछ ज्यादा ही मेरा प्रशंसा कर दी है. अब भी मेरा स्टडी चल रहा है सर, कुछ भी नहीं जानता हूँ. अब भी ऐसा लगता है मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, कुछ भी नथिंग. मतलब अब भी इतना जीरो है कि इतना पढ़ने के बाद भी लगता है कि अभी तक समंदर में सिर्फ एक ही बूंद समझ में आया कि हाँ समंदर में नमक होता है और क्या क्या होता है उसमें, और भी रिसर्च करना बाकी है. ये आपका बड़ा पल है. धन्यवाद. तो सबसे पहले नक्षत्र को इस तरह से हम लोग समझेंगे कि अगर हम लोग आसमान की ओर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, एक सपाट पटल जिसमें बहुत सारे सितारे जो हैं लगभग एक ही लेवल पे नजर आते हैं. बहुत ज्यादा हम उसमें आई रिक्वेस्ट ऑल द गेट पर्सन टू कीप देयर वीडियोस ऑन, कीप देयर वीडियोस ऑन. इट्स योर मतलब भावना आपकी टुवर्ड्स फैकल्टी, योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स फैकल्टी. ठीक है, तो प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन. अच्छा लगता है, हम सबको इंटरेक्ट करने में इजी होता है एंड हमें भी लगता है कि हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और संपर्क कर रहे हैं, वॉल से मिलकर. थैंक यू. पे योर ग्रेटिट्यूड टू द फैकल्टी. थैंक यू. थैंक यू. प्लीज कर. हाँ, तो अगर आप सिंपली रात को अंधेरे में जब हम आसमान की ओर देखते हैं, शहरों में तो आजकल दिखता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा शहर से दूर जाकर आउट ऑफ स्कर्ट एरिया में जाते हैं क्योंकि वहां पर जो
प्रकाश प्रदूषण जिसको कहते हैं, लाइट से जो पोल्यूशन होता है, दिखाई नहीं देना। तो अंधेरे में अगर जब आसमान को आप देखेंगे, आकाश में बहुत सारे सितारे नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि एक प्लेन सपाट सा पोजीशन है जहां पर बहुत सारे सितारे हैं। बट पर्टिकुलरली अगर हम 3D में किसी तरह से इसको डिफाइन करके देख सके, मेरे पास वैसे वैसा मॉडल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ। नक्षत्रों को आप हमेशा जब देखेंगे ना, तो उसका डायमेंशन ऐसा होता है, पॉइंटेड, ठीक है? मतलब एक तीन, अगर कोई भी नक्षत्र तीन सितारों से बन के बनता है तो उसका पॉइंट इस तरीके का होता है, मतलब एक होलोग्राफिक होता है, होल, कि उसकी एनर्जी का जो फ्लो है वो हमारे पृथ्वी की ओर किस तरह से बना हुआ है, ठीक है? वो कभी भी सपाट नहीं होता, इस तरह से नहीं होता। और आप देखेंगे कि मंदिर, मस्जिद या कोई भी ऐसा स्थान जहां पर जो बहुत बड़ा हो, पर्टिकुलरली मंदिर की अगर बात करें, तो उसमें क्या होता है, ट्रायंगल होता है, ठीक है? ट्रायंगल क्या होता है, वो ऊर्जा को ऊपर ऊर्ध गति देने के लिए होता है। और ठीक उसी तरह नक्षत्र का जो पॉइंट होता है ना, वो ऐसा होलोग्राफिक होता है, इस वजह से मंदिर का जो ट्रायंगल है वो इस तरह का पॉइंटेड रहता है, जिससे वो जो आकाशिक एनर्जी है उसको रिसीव हो सके, ठीक है? तो नक्षत्र का महत्व इतना ज्यादा मतलब है कि प्लैनेट तो अपनी जगह पर है, राशियां अपनी जगह पर है, लेकिन नक्षत्र जो है वो समझ लो कि अगर आप, जैसे हम न्यूक्लियर एनर्जी की अगर बात करें, तो यूरेनियम को जब तोड़ा जाता है तब उससे एनर्जी रिलीज होता है। तो ठीक उसी तरह तरीके से राशि के अंदर जो नक्षत्र का पार्ट होता है वो मॉलिक्यूलर पार्ट को तोड़ने वाला हिसाब होता है, यानी उसके अंदर और भी ज्यादा पावरफुल एनर्जीज होती है, ठीक है? तो इस तरह से देखा जाए तो 12 राशियों में 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पराशर ऋषि ने सजाया हुआ है। शुरुआत होती है केतु के नक्षत्र से और अंत होता है बुध के नक्षत्र में, ठीक है? और इस तरह से तीन साइकिल है, मतलब तीन स्टेप्स बने हुए हैं। सबसे पहले शुरू होता है मेष राशि से लेकर सिंह राशि में जाके खत्म होता है, सॉरी, मेष से जाकर कर्क में खत्म होता है अंतिम नक्षत्र, फिर सिंह से शुरू होता है, होते हुए खत्म होता है वृश्चिक में, फिर धनु से शुरू होता है और खत्म होता है जाके मीन में। तो इस तरह से डिवाइड करके रखा हुआ है। तो धीरे धीरे जब हम नक्षत्र को पढ़ेंगे तो आप इसमें देख पाएंगे कि किस तरह से राशि वाइज हर नक्षत्र को बांटा गया और उसको कितना सटीकता के साथ बांटा गया है, जिससे प्रिडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट आता है। तो नक्षत्र का इतना महत्व इसीलिए दिया गया है कि एक तरह समझ लीजिए कि आप अगर सुबह खाना खाते हैं, खाना हम क्यों खाते हैं, खाना इसलिए खाते हैं कि हमें वो एनर्जी मिले, ठीक है? शुरुआत हमारे डाइट से होती है और वो खाना हमें हमारे बॉडी में पच के हमारा बॉडी बन जाता है और वो एनर्जी देता है। तो नक्षत्र हर एक राशि में उस राशि की एनर्जी को डिफाइन करता है, उस राशि की एनर्जी कितनी ज्यादा पावरफुल है, कितनी ज्यादा इफेक्टिव है, उसको डिफाइन करता है। जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं तो सबसे पहले लग्न को देखते हैं, फिर राशि को देखते हैं और फिर भावों को देखते हैं, ठीक है? नॉर्मली अगर हम ऊपर ऊपर मोटा मोटा प्रेडिक्शन करते हैं तो राशि, लग्न और भाव को देखकर हम इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, दशा, अंदर दशा के हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। लेकिन बात वहां पर आती है कि पर्टिकुलरली कोई ग्रह किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में कितना इफेक्टिव देगा, मतलब वो एक्यूरेसी, पिन पॉइंट एक्यूरेसी, कि अगर सपोज बृहस्पति अश्विनी नक्षत्र में हो तो व्यक्ति को बृहस्पति की दशा में क्या फल मिलेगा, ठीक है? वो जानना, उसके ऊपर डिटेलिंग काम करना, उसी को कहते हैं कि आपने बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ अपना प्रिडिक्शन किया। तो शुरू करते हैं, पहला ही नक्षत्र लेते हैं अश्विनी नक्षत्र से। अश्विनी नक्षत्र सबसे शुरुआती नक्षत्र में रखा गया है और वो मेष राशि का सबसे पहला नक्षत्र भी है। और ब्रह्मांड की जब शुरुआत की गई थी तब देवताओं ने क्रिएशन, मतलब ब्रह्मा जी से जब ये निवेदन किया कि कोई सृष्टि बनाने के लिए आप कौन सा नक्षत्र चूज करेंगे, तो ब्रह्मा जी ने अश्विनी नक्षत्र को डिफाइन करते हुए बहुत अच्छे से कहा था कि अश्विनी नक्षत्र ऊर्जा का वो केंद्र है जो जिसकी, जहां से चीजें शुरुआत होती है। जैसे
माचिस की तीली के ऊपर जो बारूद लगा रहता है उसमें घर्षण होने के बाद वो ऊर्जा बनती है, वैसे ही अश्विनी नक्षत्र जो है वो बीज है, वहां से पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है। और शुरुआत होने का बहुत बेसिक रीजन आप देखेंगे, मेष राशि जो है वो क्या है, चर अग्नि राशि, ठीक है, उस राशि का स्वामी कौन है, मंगल, उस राशि में उच्च का कौन होता है, सूर्य। तो ब्रह्मांड के उन्हीं ग्रहों को इसका उत्तरदायित्व दिया गया जिसके पास एनर्जी का लेवल अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, ठीक है, जो एक बहुत पावरफुल फोर्स क्रिएट कर सके, ठीक है। तो मंगल, जैसा कि आप जानते हैं जिनको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होगा, मंगल ग्रह जो है वो एनर्जी का कारक है, आपके अंदर जो स्टैमिना या एक फोर्स कह लीजिए उसका कारक है। और इसी तरह सूर्य भी जो है वो सोर्स, सोर्स कोड है, स्टार्टिंग, ठीक है, वो एनर्जी का सबसे स्टार्टिंग पोजिशन है। और उसी सूर्य को लेकर ही पूरे नौ ग्रहों का चक्कर कट रहा है और उसी के ऊपर ही सारा फलादेश आता है। तो अश्विनी नक्षत्र पावरफुल इसलिए बनाया गया है कि वो हर चीज की शुरुआत है, और उसका जो सिंबल है वो घोड़े के फेस, मतलब घोड़े का जो मुंह होता है पॉइंटेड, वैसा ही बना हुआ है, ट्रायंगल टाइप बना हुआ है, पॉइंटेड है, ठीक है। उसमें पर्टिकुलरली तीन तारे बने हुए, तीन तारों को अगर आप ठीक ठीक देखेंगे तो वो ट्रायंगल बनाता है, कुछ इस टाइप का रहता है। ऊपर यहां पर पहला नक्षत्र रहेगा, दूसरा वाला यहां पर, तीसरा वाला थोड़ा नीचे इस जगह पर, ट्रायंगल बनाते हुए, ठीक है। तो ट्रायंगल का अर्थ, जैसे कि मैंने अभी भी कहा है कि ट्रायंगल जो है वो ऊर्जा को ऊर्ध्वगति ऊपर देने वाला होता है। तो इसीलिए अश्विनी नक्षत्र इतना पावरफुल है कि हर चीज की शुरुआत में इसका काम होता है। इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर आप देखेंगे कि कोई भी काम अगर आप शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहला चीज क्या होता है, ऊर्जा, ऊर्जा का सोर्स कोड अश्विनी नक्षत्र से शुरू होता है। उसको वहां पर उस नक्षत्र के स्वामी को केतु क्या क्यों कहा गया है, क्यों केतु जो है उत्पत्ति का वो कारक है जिसका कोई पैरामीटर नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है अकल्ट साइंस का मतलब ही है शून्य से शुरुआत और शून्य में ही जाके खत्म, केतु कारक है शून्य का, और इसीलिए पहले नक्षत्र को का स्वामी केतु को बनाया गया है, क्योंकि केतु एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा प्लैनेट है जिसको समझ पाना सबके बस का नहीं है, वो बहुत वृहद है, मतलब बाकी जितने भी प्लैनेट है वो सबसे ज्यादा बड़ा है, मतलब इतना बड़ा है कि एक समझ लो कि एक यूनिवर्स उसमें समा जाए, या यूनिवर्स को चलाने वाली जो ऊर्जा है वो केतु है, ठीक है। जैसे आप अगर देखेंगे कि जैसे नौ ग्रह जो है पृथ्वी के चक्कर, सॉरी सूर्य के चक्कर काटते हैं, तो उसका एक पैरामीटर हम क्या ढूंढते हैं कि सूर्य केंद्र है और उसको चक्कर काटते हुए जा रहे हैं, बट कुछ उल्कापिंड, कुछ धूमकेतु ऐसे भी होते हैं जो सूर्य के नजदीक जाकर उनका ऑर्बिटल एरिया देखेंगे तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ऑर्बिटल एरिया तभी होता है किसी भी चीज का जब उसका सेंटर पॉइंट कुछ ज्यादा हाईली ग्रेविटेशनल फोर्स वाला हो। तो कुछ कुछ उल्काओं का, कुछ कुछ धूमकेतुओं का जो उनकी गति होती है वो डिफरेंट होती है, तो उनका भी एक ऊर्जा सोर्स होता है, केंद्र होता है जहां पर केतु विराजमान होता है। और इसीलिए किसी भी तारे का टूटना या धूमकेतु कहा जाना, धूमकेतु, धूम मतलब स्पीड और केतु मतलब पूंछ, इसलिए धूम केतु नाम दिया गया। धूम केतु क्या करता है, सेंटर, एक इनविजिबल सेंटर को चक्कर काटता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स हैं, ये हमारे जो पर्टिकुलर हम सौर्य मंडल की अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर सौर मंडल में बहुत सारे ऐसे केतु वाले पॉकेट्स हैं जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे पिंड अपना चक्कर काट रहे हैं। तो अश्विनी नक्षत्र जो नेचर है अश्विनी नक्षत्र वालों का, जो लोग पैदा जब होते हैं अगर उनका लग्न या चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में आए तो सबसे पहले ऐसे लोगों के अंदर ना एनर्जी का लेवल बहुत हाई होगा। आप देखेंगे कुछ छोटे बच्चे जो है ना बिल्कुल बैठते नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चलता रहता है, और मतलब उनकी एनर्जी का लेवल ऐसा है ना कि अगर वो तीन घंटे दौड़ धूप करके आए ना तो घर में भी बैठ के शांति से नहीं बैठेंगे, वो हमेशा भागते रहेंगे, ठीक है।
और वो भागते रहेंगे, उसकी उनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा हाई होती है ना कि वो जो भी कंज्यूम करते हैं ना वो फटाफट ऊर्जा में बदलता जाता है। आप ये नोटिस करेंगे आज से, अगर मैं जब से ये बात बताऊं कि अश्विनी नक्षत्र में अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है, चाहे उसका राशि या लग्न अश्विनी नक्षत्र में है, तो ऐसे बच्चों का मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है। वो बहुत सारा खाना खाएंगे और बहुत दौड़ धूप करेंगे, मतलब उनके बॉडी में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो खाना खाते हैं उसको बहुत जल्दी वो कन्वर्ट कर लेता है एनर्जी में, उनके बॉडी में कभी कुछ स्टोर नहीं रहता। ठीक है, उनके अंदर एक बात रहती है कि उनके अंदर थोड़ी बहुत चंचलता भी होती है। उनके दिमाग में अगर कुछ भी कोई भी थॉट अभी क्रिएट हुआ तो उसको तुरंत इनिशिएट करना, उसको ज्यादा वेट नहीं करना, बाद में करेंगे ऐसा नहीं, अभी आया तो अभी करो। तुनक मिजाजी होना, फास्ट थिंकिंग, स्पेशली ट्रोमैटिक सिचुएशन, सपोज ऐसा कुछ ट्रोमैटिक सिचुएशन हो गया और वहां पर अगर क्विक डिसीजन लेना है तो अश्विनी नक्षत्र वाले बहुत फास्ट डिसीजन ले सकते हैं और सही, कई बार सही डिसीजन भी लेते हैं। अक्सर कहा गया कि जल्दी का काम शैतान का, बट अश्विनी नक्षत्र वाले जो लोग अश्विनी नक्षत्र में पैदा होते हैं वो हमेशा जल्दी में ही अच्छा डिसीजन ले लेते हैं, वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन को बहुत फास्ट हैंडल करना जानते हैं। इसीलिए अश्विनी नक्षत्र को नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को हीलर भी कहा गया है, हीलिंग प्रॉपर्टीज भी उनके अंदर होती है, क्योंकि केतु जो है अपने आप में एक हीलिंग प्लैनेट भी है। केतु जो होता है वो हमारा शरीर होता है, बॉडी, यानी गर्दन से नीचे वाला हिस्सा। जैसा कि हम जानते हैं कि गर्दन से नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, उसको कंट्रोल करता है माइंड, लेकिन बॉडी मतलब गले से नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसकी भी अपनी एक स्पेशल मेमोरी होती है। हमारे पूरे बॉडी में जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, हर एक बॉडी पार्ट्स में एक स्पेशल मेमोरी होती है और उसको कंट्रोल करता है केतु। इसीलिए जब भी अश्विनी नक्षत्र में जो भी व्यक्ति पैदा होता है, चाहे उसका राशि या लग्न हो, तो ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे बहुत हाईली, मतलब ट्रॉमेटिक सिचुएशन में हाईली डिसीजन, फास्ट डिसीजन लेने वाला होता है। आप कुछ लोगों को ऐसा भी देखेंगे जो जैसे मैं बताऊं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, आप उनको सिर्फ नंबर्स बताते जाओ और फास्ट, मतलब एक जीता जागता कैलकुलेटर होते हैं, उनको बताते जाओ और फटाफट वो एड, सब्सट्रैक्शन, डिवाइडेशन सब एक साथ कर लेते हैं। सुपर जीनियस, जिसका फास्ट दिमाग चलता है। अक्सर देखा गया कि ऐसे लोग भी अश्विनी नक्षत्र में पैदा होते हैं। इनका मतलब माइंड का जो वायर है ना, और वायरिंग जो है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स बने हुए हैं, हर एक न्यूरॉन्स के साथ जो कनेक्शन जो है ना वो मतलब नैनो से नैनो सेकेंड में हो जाता है, इतना फास्ट काम करता है इनका पूरे बॉडी का जो तंत्रिका तंत्र यानी जो नर्वस सिस्टम है, इतना फास्ट काम करता है कि हर चीज में ये तुरंत इनिशिएशन लेने के लिए रेडी रहते हैं। अब बात करते हैं अगर अश्विनी नक्षत्र में किसी का चंद्रमा आता है तो वो कैसा रिजल्ट देता है। अगर किसी के कुंडली में देखा जाए मेष राशि है और चंद्रमा जो है अश्विनी नक्षत्र में विराजमान है, तो देखेंगे ऐसे व्यक्ति को कभी भी चुपचाप नहीं बैठ सकता, वो हमेशा कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ बना रहा है, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र शुरुआत के नक्षत्र को भी कहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं, एक बच्चे का जन्म होने का जो सबसे पहले आधारभूत जो परिस्थिति होती है वो है संभोग क्रिया, उसके बाद कंसेप्शन। संभोग और कंसेप्शन ये दो ऐसे पड़ाव हैं जिसमें बहुत सारा एनर्जी यूज होता है, विदाउट एनर्जी ये काम संभव नहीं होता। ठीक है, उसी तरह से डिवाइड किया गया हर नक्षत्र को। सेकंड नक्षत्र आता है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र मतलब जब बच्चा माँ के कोख में होता है उसका भरण पोषण होता है। उसके बाद आता है कृतिका नक्षत्र, जहां पर उसका कॉर्ड कटिंग होता है, वो कट हो जाता है, इसलिए कृतिका नक्षत्र को कटिंग कहा गया। तो इस तरह से बहुत सुंदर तरीके से चीजों को बांटा गया। अब बात करते हैं कि इसमें अगर सूर्य बैठा है तो क्या होगा। मेष राशि में सूर्य जो है वो उच्च का होता है और अश्विनी नक्षत्र में सूर्य जो है वो अपने सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला होता है। कैसा,
सूर्य वहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी बन के दूसरों को हील करने का काम करता है। ऐसे लोग अच्छे डॉक्टर होते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, अच्छे हीलर्स होते हैं। हीलर्स इन द सेंस एट इन एनी साइज ऑफ हीलर, जैसे कि रेकी हीलिंग हो गया या दूसरे जितने भी हीलिंग पार्ट्स होते हैं वो। स्पेशली डॉक्टर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि आप देखें कभी भी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो दो हॉस्पिटल में इमरजेंसी वाला वार्ड जो होता है ना वो होता है अश्विनी नक्षत्र। वहां पर पहले पेशेंट को डाला जाता है, पेशेंट को डालने के बाद वहां पर सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो वहां पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो फटाफट डिसीजन लेते हैं कि इसका ये चेक करो वो चेक करो, फटाफट जो भी चेक किया और बहुत फास्ट वहां पर डिसीजन लेकर उसके लाइफ को बचाने के लिए जो जो हेल्प की दिया जा सके वो करते हैं। तो किसी भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड जो है वो होता है अश्विनी नक्षत्र शुरुआत, सेव करने का, बचाने का जगह, शुरुआत की जगह और प्लस बचाने की भी जगह, हीलिंग प्रॉपर्टीज होने की वजह से। ऐसे लोगों अगर अक्सर देखा गया कि सूर्य अगर अश्विनी नक्षत्र में रहे तो ऐसे लोग अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, अच्छे आउटडोर प्लेयर्स होते हैं। आउटडोर प्ले में जब हम बाहर खेलने वाले जितने भी खेलकूद की चीजें हैं जो बाहर खेली जाती है आउटडोर में, उसमें भी आप देखेंगे बहुत सारी एनर्जी चाहिए, बहुत सारी एनर्जी। अश्विनी नक्षत्र में सूर्य हो तो ऐसे लोग अच्छे सॉकर प्लेयर होते हैं, लॉन टेनिस खेलने वाले होते हैं, क्रिकेट खेलने वाले होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा स्टैमिना, बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। अश्विनी नक्षत्र में नीच का ग्रह कौन सा होता है? वो होता है शनि। शनि बेचारा वहां पर होता ही है, अगर देखा जाए कि लोग कहेंगे शनि मेष राशि में नीच का होता है और वहां पर शनि विशेष कोई काम नहीं कर पाता, बट प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि शनि अश्विनी नक्षत्र में जिनका भी हो, अगर किसी भी यहाँ पर जितने भी हैं लाइव मुझे देख रहे हैं अपनी अपनी कुंडली में अगर देखें, अगर शनि अश्विनी नक्षत्र में है तो ऐसे इंसान बहुत कम उम्र से ही मजदूरी करने में मतलब अपना जो बचपन है ना इसको काम करने में निकल जाता है। ऐसे बच्चे जो है काफी कम उम्र से, मतलब 12 13 14 साल की उम्र से ना काम पे लग जाते हैं, क्योंकि शनि जो है काम का कारक है, वो नीच का है, तो ऐसे लोगों को बहुत कम उम्र से ही शुरुआत कर देनी पड़ती है। तो यहां पर एक बहुत अच्छा सलूशन ये है कि अगर किसी का भी अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में है तो ऐसे लोगों को जितना हो सके श्रम दान करना चाहिए। फ्री में अगर श्रम दान करते हैं तो कम से कम आपका शनि का जो बैड इफेक्ट है वो आपको इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। हम फिर नेक्स्ट जाते हैं, अगर वहां पर मंगल हो तो क्या फल होगा? मंगल अगर वहां पर रहता है अश्विनी नक्षत्र में तो ऐसा व्यक्ति ना थोड़ा सा अपने सेल्फ डिसीजन को ज्यादा वैल्यू देता है, मतलब थोड़ा ईगो उन लोगों का हाई होता है, ठीक है। हालांकि वो मेष राशि मंगल की अपनी स्व राशि है, लेकिन वो नक्षत्र केतु का होने की वजह से मंगल यहाँ पर क्या करता है, मंगल को केतु की एनर्जी मिलती है। एक्चुअली क्या होता है, केतु जो होता है ना वो मंगल का नेगेटिव पार्ट होता है, एक ऐसी ऊर्जा जहां पर मंगल की अपनी ऊर्जा तो है ही, जो एनर्जी है वो है ही, और दूसरा जो है ना उसका एक इनर ईगो उसको बहुत ज्यादा फोर्स करता है। तो अक्सर आप देखेंगे कि मेष राशि में पर्टिकुलरली अगर अश्विनी नक्षत्र में मंगल विराजमान हो तो ऐसे लोग अपनी बात को बहुत जोर दम से रखते हैं, भले दूसरों की बात को बाद में सुने लेकिन अपनी बात को ज्यादा वैल्यू देना चाहते हैं और करवाते हैं, मतलब अपनी बात को मनवाना ज्यादा चाहते हैं, ठीक है। एक मिनट मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। नेक्स्ट जाते हैं बृहस्पति। बृहस्पति अगर अश्विनी नक्षत्र में हो तो क्या क्या देते हैं? देखो बड़ा अजीब सूत्र है, अजीब ही कह लो, क्योंकि बृहस्पति जो कारक है वो विद्या का कारक है, किसी भी तरह के अकल्ट साइंस या नॉलेज को समझने का कारक है, किसी भी नॉलेज को, किसी भी तरह के नॉलेज को समझने का कारक है।
बृहस्पति अगर अश्विनी नक्षत्र में रहे तो ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन का उद्देश्य ही नॉलेज है, वो नॉलेज के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। उनका लाइफ पूरी तरह से डेडिकेटेड रहेगा पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलरली सब्जेक्ट के ऊपर बहुत बहुत गहन अध्ययन करना। एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम लेवल पे। और एक मजे वाली बात यहां पर है, आप देखेंगे कि बृहस्पति और शनि अगर अश्विनी नक्षत्र में एक साथ बैठ जाते हैं ना, तो ऐसे लोग किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में मतलब कितने कितने किताबें खरीदते हैं, इतना इतना पढ़ाई करते हैं कि जिसका कोई हद ही नहीं होता, भयंकर वाला रिसर्च करते हैं। अकेला बृहस्पति तो ज्ञानी बनाता है, शनि उसके साथ जब ऐड होता है तो उसकी ऊर्जा भी ऐड हो जाती है, और ऐसा इंसान सिर्फ और सिर्फ दिन रात सिर्फ ना, जैसा कहते हैं बुक वॉर्म, पढ़ने वाला, पढ़ता रहना, आप सिर्फ पढ़े पढ़ो 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 और पढ़ते रहो। अगर पढ़ना नहीं भी है तो प्रैक्टिकल नॉलेज अक्वायर करो। मतलब इनका जीवन का पूरा ध्येय रहता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के पीछे जी जान, पूरा आत्मसमर्पण, पूरी तरह से निछावर होकर पढ़ना। बृहस्पति नॉलेज देता है और नॉलेज को पाने की जो ऊर्जा है उसको उस नक्षत्र से मिल जाती है, इसलिए वो पूरा जोर दम खम से लग जाता है नॉलेज को एक्वायर करने। अब जाते हैं दूसरा, जो दूसरा प्लैनेट आता है यहाँ पर बुध। बुध अश्विनी नक्षत्र में क्या करवाता है? बुध अश्विनी नक्षत्र में बहुत क्विक डिसीजन मेकिंग मेकर होता है। नॉर्मली जो मैंने कहा कि हाँ, किसी भी ट्रोमेटिक सिचुएशन में फास्ट डिसीजन लेने वाला होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, लेकिन बुध अगर बुद्धि की बात करें, ऐसे लोग ना बड़ा भयंकर डिप्लोमेट होते हैं, वो बाल की खाल निकालना जानते हैं। आप अगर उन लोगों को एक सेंटेंस बताएंगे तो उस सेंटेंस का वो 10 मीनिंग निकाल के आपके ऊपर ऐसा तर्क मारेंगे कि आप उनके सामने खड़े नहीं रह सकते, आप उनको जवाब नहीं दे सकते। बुध अश्विनी नक्षत्र में इतना जबरदस्त डिबेट करने वाला बनाता है कि उसके सामने कोई इंसान खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे लोगों का बहुत क्विक डिसीजन, मतलब वो उनका जो कॉमन सेंस इतना फास्ट काम करता है ना, वो किसी भी सिचुएशन में खड़े होकर कुछ भी बात कर सकते हैं, बहुत हाई एनर्जी मिल जाती है। आप देखेंगे चेस प्लेयर्स को, जैसे अपने विश्वनाथन आनंद, उनका जो बुध है अश्विनी नक्षत्र का है, तो अश्विनी नक्षत्र का पावर इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि जो कोई भी ग्रह उसमें जाता है तो उस ग्रह की जो ऊर्जा है उस अश्विनी नक्षत्र के साथ लग के एकदम, जिसको कहते हैं ना इनिशियल, जैसे रॉकेट में, रॉकेट इंजन का कैसा होता है, पहला जो इनिशियल बूस्ट होता है वो देता है अश्विनी नक्षत्र। अब जाते हैं बुध के बाद राहु। अभी प्रेजेंट में गोचर में राहु इसी राशि में विराजमान है, और देखिए घर इतने पूरे देश में कैसा तांडव मचा हुआ है, छोटी छोटी बातों पे आग लग जाती है, ठीक है। स्पेशली अभी धर्म को लेकर लोग बहुत ज्यादा आग बढ़ा रहे हैं, उसका कारण बृहस्पति का 12वें राशि में है, लेकिन मेनली क्या है ना, राहु जो है वो हवा है, वायु, और वो मेष राशि में जाकर अश्विनी नक्षत्र में जब अब जाएंगे, अभी गए नहीं है, जब जाएंगे तो आप देखना किस तरह तरीके से जो आग को हवा देने वाली बात है वो होता है। लोग अपने पावर का मिसयूज कर सकते हैं, अपने अपने वैल्यूज को, मतलब उनकी जो भी वैल्यू है उसको ज्यादा बढ़ा सकते हैं, बढ़ चढ़ के बात को बोलना, एग्जैचुरेशन करना, ठीक है। केतु अगर रहता है तो केतु वैसे ही अपने स्व नक्षत्र में बलवान होता ही है, और ऐसे लोगों का जो लोगों के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोग दूसरों को समझते हैं, इन लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत हाई होता है। स्पेशली जो लोग स्पिरिचुअल लाइन पे हैं, अगर उनका केतु अश्विनी नक्षत्र का है तो वो नेक्स्ट लेवल तक जाते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल तक। आप देखेंगे ब्रूसली का जो लग्न और केतु दोनों ही मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में, तो ब्रूसली को आप जानते हैं सब, मतलब हर कोई जानता है, वो कराटे का भगवान कहा जाता है। उसके अंदर हील कर, मतलब वो इंसान जहां पर उसकी बीच, मतलब उसकी जब उसका जब एक्सीडेंट हुआ था तो डॉक्टर ने बोला था कि हील करने में कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा,
जबकि उसने बहुत फास्ट एक 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 महीने के अंदर पूरा का पूरा बॉडी हील कर लिया था। तो जिस किसी का भी जन्म, लग्न, राशि या सूर्य या केतु अश्विनी नक्षत्र में है, ऐसे लोगों का जो बॉडी होता है ना वो बहुत फास्ट हील हो जाता है, फटाफट रिकवर होता है। तो अश्विनी नक्षत्र की जो ऊर्जा है ना वो इतनी ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा पावरफुल है कि समझ लीजिए कि नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पे आपको फोर्स करके वो ले जा सकता है। कई लोगों की कुंडली ऐसी भी होगी जहां पर अश्विनी नक्षत्र में या मेष राशि में कोई ग्रह नहीं है, तो पर्टिकुलरली वो भाव जहां पे पड़ता है उस भाव से रिलेटेड जितनी भी चीजें, जितनी भी घटनाएं आपके लाइफ में घटेंगी वो बहुत फास्ट, बहुत पावर में और बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि एक इनिशियल बूस्ट के साथ घटेंगी। ठीक है, तो आप भी देखिए कि आपके आपके कुंडली के अंदर मेष राशि में, अश्विनी नक्षत्र में कोई राशि है या कौन से भाव में अश्विनी नक्षत्र पड़ रहा है उसको जरूर चेक कर लें। और आपने अपने पास्ट लाइफ में, मतलब आपके पास्ट लाइफ में जब जब घटनाएं घटी हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली गोचर के ऊपर से, मतलब अश्विनी नक्षत्र के ऊपर से गोचर में जो जो ग्रह गए हैं उस टाइम ड्यूरेशन को अगर आप चेक करेंगे तो उस प्लैनेट से रिलेटेड सिचुएशंस आपके लाइफ में बहुत फास्ट और बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ घटित हुई हैं। अश्विनी नक्षत्र को जब इनिशिएट, मतलब अश्विनी नक्षत्र में जब क्रिएशन, मतलब जब सृष्टि को इनिशिएट किया गया तो उस समय पे इसीलिए ये जो पावरफुल प्लैनेट्स को चूज किया गया, मंगल, सूर्य और केतु, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इन तीनों जो प्लैनेट्स हैं जिसका अधिपति, और जैसे अश्विनी नक्षत्र का जो अधिपति है वो केतु को बनाया गया, अश्विनी नक्षत्र में सूर्य उच्च का रहता है, मंगल अपने फुल पावर में रहता है, तो ये इनिशियल बूस्ट, किसी भी चीज को इनिशियल बूस्ट देने के लिए ये तीन मेजर प्लैनेट बहुत ज्यादा काम करते हैं। इसलिए जो बिग बैंग थ्योरी है वो कुछ हद तक इसी के, इसी नक्षत्र के ऊपर ही आधारित है, आप ऐसा कह सकते हैं। जैसा नाम है अश्विनी, अश्व, अश्व का मतलब क्या होता है? अश्व का मतलब घोड़ा, जिसकी एनर्जी का लेवल बहुत हाई होता है। किसी भी दूसरे जानवरों से घोड़े की जो एनर्जी होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है, इसलिए हॉर्स पावर का नाम दिया है। कि अगर किसी भी इंजीनियरिंग टेक्निकल वर्ड कहा जाए, किसी भी चीज की गति को मापने के लिए हॉर्स पावर का नाम दिया गया। वो इनिशियल बूस्ट, इग्निशन, जैसे हम बटन दबाते हैं, जो बटन सॉरी कार जब स्टार्ट करते हैं, बाइक जब स्टार्ट करते हैं, तो हम जब इनिशियल किक देते हैं, इलेक्ट्रिक किक देते हैं, दैट इज अश्विनी। वो किक बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, तभी कोई चीज बूस्ट होता है। रॉकेट उड़ने से पहले उसका जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है वो अश्विनी नक्षत्र होता है, वो बूस्ट देता है जो इस ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाकर उसको फोर्सफुली ऊपर तक पहुंचाता है। तो इसलिए अश्विनी नक्षत्र का जो भी प्रभाव है आपके जीवन में, आप अभी अपने 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 कुंडली अगर देख सकें तो देख लीजिए कि जो भी प्रभाव है आप देखिएगा, पर्टिकुलरली उस भाव से रिलेटेड आपके जीवन में जो भी चीजें हुई हैं बहुत इनिशियल बूस्ट के साथ अचानक से बहुत सारा एनर्जी आपका आ जाता है, वो घटना बहुत फास्ट घटित होने लग जाती है। इसके पीछे बहुत सारे पेंडिंग कर्मास भी आते हैं, तो वो विषय कुछ अलग लेवल पे जाता है। तो आज क्योंकि हम अश्विनी नक्षत्र के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो शुरुआती तौर पे अश्विनी नक्षत्र की जो ऊर्जा है, अगर आप समझें, इसको समझ लें और अपने जीवन में अश्विनी नक्षत्र को अप्लाई करना शुरू कर दें, तो आपको बहुत इजीली चीजों को समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे अगर कोई ऐसा काम है, स्पेशली आग से रिलेटेड, अग्नि से रिलेटेड, क्योंकि अग्नि ऊर्जा का कारक है, किसी का भी अग्नि से रिलेटेड कोई ऐसा काम है उसकी अगर शुरुआत करनी है तो अश्विनी नक्षत्र को देखकर उस समय के अनुसार अगर शुरुआत की जाए तो उसमें बहुत जल्दी प्रॉफिट दिखेगा, बहुत जल्दी वो काम कंप्लीट होगा, बहुत जल्दी वो बिजनेस डेवलप होगा। वर्तमान में आप देखेंगे कि मेष राशि में मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो मेष राशि आज के डेट में आने वाले
अगस्त महीने के 10 तारीख तक बहुत हाई एनर्जी में पड़ा हुआ है, बहुत ही हाई एनर्जी में पड़ा हुआ है। तो बहुत नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो अनएक्सपेक्टेड होंगी, क्योंकि ये राशि अपने आप में, ये नक्षत्र अपने आप में इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा हाई वोल्टेज वाला है कि अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो ये अनकंट्रोल भी हो सकता है। जैसे अगर एटम बम की बात करें तो एटम बम क्या है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन है जो अनकंट्रोल है, जिससे सारा नुकसान ही होता है, दैट इज ऑल्सो अश्विनी नक्षत्र। और वही एटॉमिक रिएक्टर जब बन जाता है तो उससे सिर्फ फायदा ही फायदा होता है, उस ऊर्जा को चैनलाइज किया जाता है। तो जिसको अपने ऊर्जा को चैनलाइज करना है उन लोगों को अश्विनी नक्षत्र में बैठकर कोई जैसे सूर्य की आराधना या मंगल की आराधना करनी चाहिए, या अश्विनी नक्षत्र का पर्टिकुलर एक मंत्र होता है, उसको मैं बाद में बता दूंगा, उस मंत्र का जाप करने से भी आपको अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करने की जो स्थिति है वो आपको समझ में आएगी। आपका मन शांत होगा और अपनी जो ऊर्जा है पर्टिकुलरली आप एक दिशा पे लगा पाएंगे। कई बार ऐसा होता है, आप देखेंगे कि बहुत सारा काम अचानक से आपके ऊपर, एक जैसे ना बम्बार्डिंग होना, बहुत सारा काम आपके ब्रेन में आपके पास आना चालू हो जाता है और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको करें, इसको करें, इसको करें या किसको छोड़ दें, या मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ जाना। उस टाइम पे अगर आप शांत होकर, फोकस होकर हर एक काम को टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से बांट के मैनेज कर देते हैं तो देखिएगा हर काम आपका सही तरीके से होगा। अगर किसी का अश्विनी नक्षत्र में बैड मेलिफिक प्लैनेट चला जाता है तो ऐसा व्यक्ति अक्सर जो है ना, मतलब अपने ही काम को खुद बिगाड़ लेता है, समझ में नहीं आता उसको क्या करे ना करे, वो सब कुछ एक साथ के खिचड़ी बना के बैठ जाता है और लास्ट में सब कुछ रख के वो कहता है कि हाय मैंने ये क्या कर दिया। अगर अश्विनी नक्षत्र में अच्छे प्लैनेट है जैसे बृहस्पति है तो ऐसा इंसान ना बहुत सुंदर तरीके से चीजों को मैनेज करेगा। बुध है, ये भी अच्छे तरीके से मैनेज करेगा। केतु भी रहा तो भी ऐसे व्यक्ति अपने चीज को बहुत, अपने काम को, अपने प्रेशर को बहुत स्मूथली और एक्यूरेसी के साथ हैंडल करेगा। तो अगर आपको चेक करना है अपनी कुंडली में, आप चेक कर सकते हैं कि अश्विनी नक्षत्र से रिलेटेड आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं उसको किस तरीके से आप अपने लाइफ में, मतलब कहते नहीं कि हम हमेशा ना पास्ट लाइफ से, मतलब अपने गुजरे हुए कल से सीखते हैं, तो अपने गुजरे हुए कल को रिकॉल करके अगर आप देखें कि पर्टिकुलर अश्विनी नक्षत्र में जो जो जब जब ग्रह जो गोचर हुआ है उस गोचर के समय आपके लाइफ में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको मैच करा पाएंगे। अभी तो बहुत, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र को समझा पाना अभी थोड़ा सा और भी आसान होगा क्योंकि प्रेजेंट में मेष राशि में मंगल का प्रवेश हुआ है। तो आप अपने जीवन में जब तक ये मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में मंगल रहेंगे तब तक अपने लाइफ को बहुत माइन्यूटली चेक करना, बहुत माइन्यूटली। आज देखिए जितने भी लोग यहाँ पर शुरुआत में जुड़े हैं, मतलब इस नक्षत्र कोर्स को करने की शुरुआत करी है वो इस नक्षत्र में करी है, मंगल मेष में, यानी शुरुआत आपकी हो चुकी है, शुरुआत एक नए सब्जेक्ट को सीखने की हो चुकी है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है अश्विनी नक्षत्र का। तो ऑनवर्ड अभी जो समय चल रहा है इससे, इसको लेकर, मतलब मंगल गोचर में है, आने वाले 2-3 हफ्ते को बहुत माइन्यूटली चेक कीजिएगा और अश्विनी नक्षत्र के गुण दोष जो भी मैंने अभी बताए उसके साथ उसको वैरी कीजिएगा, आपको प्रैक्टिकली चीजें समझ में आएंगी। सर आपने बिल्कुल मेस्पराइज कर दिया है, बहुत सुंदर आपने परिभाषा दी अश्विनी नक्षत्र की मिथुन जी, बहुत ही उमदा किस्म की आपकी एक्सप्लेनेशन दी है, सारे प्लैनेट्स को कनेक्ट किया आपने नक्षत्र के अंदर, सारे फ्यूचर्स को कनेक्ट किया, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन फॉर मी, और ये तो शुरुआत है। Very nice, sir. The composition of all the things has been really very, very nice. ये तो एक नक्षत्र का एक ब्रीफ है, पूरी आई वुड से अभी तो पूरी 27 नक्षत्र की जर्नी बाकी होगी और उनकी पूरी एक्सप्लेनेशन, उनकी कनेक्टिविटी और उनके साथ उसका गोचर, आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पैक्टफुल ये जर्नी रहने वाली है।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब हमें तो, हम तो ये बहुत शॉर्ट टर्म में पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर एक नक्षत्र को सिर्फ पढ़ने बैठे ना तो एक महीना कम ही पड़ता है, फिर भी लगता है कि और भी कोई बहुत कुछ जानना है। सर इसमें इतना बृहद है, एक चीज पूछना था आपसे। हाँ जी बोलिए। नक्षत्र के हिसाब से राशि नक्षत्र का कॉम्बिनेशन वगैरह है, तो उसमें अपने को करेक्शन, उसका बेनिफिट कैसे लेना है, ये भी सिखाया जाएगा? जी, जब आप उसके एट्रीब्यूट समझ जाएंगे सूर्य प्रकाश जी, तो अपने आप बाय डिफॉल्ट आपको समझ में आ जाएगा इसका बेनिफिट कैसे लेना है। जब हमारे को किसी चीज से कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ जाते हैं ना, तो हमें बुरा और अच्छा दोनों समझ में आ गया, तो मूवमेंट आपको अच्छा समझ में आ गया तो आपको बेनिफिट नजर आ जाएगा। उसका उपाय क्या है, वो जैसे मिथुन जी ने बोला, उनके मंत्र होते हैं, मंत्रों पर कैसे कार्य करना है, चैंटिंग क्या करनी है, वो बताएंगे जर्नी में, वो दैट इज कवर, वो होगा। बिल्कुल। और उसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ सर, राजीव सर के साथ, कि मंत्र तो अपनी जगह काम करेंगे, लेकिन जब आप नक्षत्र की एनर्जी को प्रैक्टिकली समझते हैं ना, तो आप अपने कर्मों पे ध्यान देना पड़ता है। अगर आप अपने कर्म ठीक करने जाते करते रहते हैं, तो नक्षत्र भी अपना रिजल्ट अच्छा देने लग जाते हैं। सर एस्ट्रो वास्तु की जैसे हम क्लास कर रहे हैं, उनके इसके लिए भी हमें बहुत हेल्पफुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सिर्फ हेल्पफुल नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कांच की तरह साफ, ऑल क्लियर आपको दिखेगा, सामने वाले इंसान के अंदर की वैल्यूज को आपको दिखने, मतलब एक कहते नहीं, स्कैनिंग पावर आ जाएगी आपकी। देवेंद्र जी आपने बहुत सही बोला। एक्चुअल में क्या, नक्षत्र ना एक बड़ी, एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको टच नहीं किया जाता, और नक्षत्र देखा जाता बिल्कुल जैसे मिथुन जी ने बोला सर, ट्रांसपेरेंट ज्योतिष। अगर किसी सब्जेक्ट पे किसी व्यक्ति के विषय में ट्रांसपेरेंसी लानी है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो नक्षत्र उसका बेस्ट है, क्योंकि हर काम तो नक्षत्र के माध्यम से होता है। पूरी केपी नक्षत्र भी तो बेस्ड है, बट केपी नक्षत्र के बारे में नहीं जाती, बट पूरी बेस्ड वही होती है। तो सर आपकी क्लास तो कर ही रहे हैं एस्ट्रो की, तो इसमें तो और हमें क्लैरिटी हो जाएगी। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छे फैकल्टी लिया है मैंने, फ्लावर रेमेडी का एक्सपीरियंस लिया है, बहुत ही यूनिक रहा है, और अभी जो आज अभी चल रहा है उसमें भी बहुत ही यूनिक। सर क्लास लीव करनी पड़ेगी, मैं आई एम टास्क टू डू समथिंग, मैं बाद में रिकॉर्डिंग देख लूंगा सर। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। दैट्स आर द क्वेश्चंस, वी आर टेकिंग द क्वेश्चंस, लीव द मीटिंग, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कीप योर रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसकी रिकॉर्डिंग आएगी, रिकॉर्डिंग आपको मैंने लिंक दिया है चैट के अंदर, उस लिंक को प्लीज ज्वाइन करें। जो लोग हमारे ऑलरेडी एकेडमी में हैं उनको ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है, जो एकेडमी में नहीं है वो लोग अपने उस लिंक को ज्वाइन करें, रिकॉर्डिंग उस लिंक पे आ जाएगी, आपको तब तक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सो आई एम टेकिंग द क्वेश्चंस नाउ, एंड शुभांशु जी का पहला क्वेश्चन। शुभांशु जी आप अपना क्वेश्चन पूछें। शुभांशु अपना क्वेश्चन पूछें आप। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कहाँ गायब थे? सर कहीं नहीं, कुछ मतलब थोड़ा सा कुछ और सीख रहा था, तो मैं थोड़ा सा मतलब ये अंडरग्राउंड हो गया था, हाइबरनेटिंग हो गया। ठीक है, कुछ आपका प्रश्न पूछे। सर ये इंटरेस्टिंग तो बहुत लगा, मेरा जो अश्विनी नक्षत्र है ये अपना मर्क्यूरी एंड सन में है सर, 8th हाउस में, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा सर बताएंगे? ये डिटेलिंग पर्सनलाइज्ड है, एक मिनट, ये सुभाषु, ये हर व्यक्ति का अश्विनी नक्षत्र में कोई प्लैनेट किसी ग्रह किसी भाव में पड़ा होगा, हर व्यक्ति का अश्विनी नक्षत्र कोई प्लैनेट होगा और किसी भाव में होगा, वो बहुत डिटेलिंग वाली बात है, तो ये हम इसको कवर करेंगे, मतलब इट्स लाइक अगर हम पूरे 50 लोगों का भी लेंगे तो टाइम लगेगा। तो लेट्स गो सर, मतलब ये क्लास में जो अभी अपना कोर्स में ये सब कुछ होगा, पता चलेगा अपना को? जी जी जी, ये आपको पूरा कनेक्ट हो जाएगा किस भाव में किस प्लैनेट के अंदर कौन सा नक्षत्र आ रहा है, यही तो ट्रांसपेरेंसी है नक्षत्र की। जी जी, और सर बोल रहे थे कि प्रेडिक्शन करने में हेल्प करें, मतलब किस टाइप का प्रेडिक्शन कर सकते हैं सर इसके रिलेटेड? ये आप अगर आप जो मिथुन जी ने बोला जितना भी आपको, इट्स अ प्रेडिक्शन है नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, इट्स अ प्रेडिक्शन है, जिसका जो प्लैनेट उसमें है अश्विनी में उसकी प्रेडिक्शन बाय डिफॉल्ट है ये। ठीक है ओके। सुषमा जी आपका प्रश्न पूछिए, अपना वीडियो ऑन करें सुषमा जी। यस सर, यस सर, एक मिनट, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है मिथुन जी सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि एस्ट्रोलॉजी इन्वॉल्व्स राशिज, लग्न, गोचर एंड नक्षत्र आल्सो, सो बाय ओनली स्टडिंग नक्षत्रस विल आई बी एबल टू प्रेडिक्ट इवेंट्स, विल आई बी एबल टू एनालाइज द चार्ट बेस्ड ओनली ऑन नक्षत्रस, दिस इज माय क्वेश्चन।
बिल्कुल, एक एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन, ठीक है, जहां पर कुछ नहीं पता होता, या फिर ऐसा समझ लो कि जो भी जब मैं अभी लेक्चर दे रहा था तो उस टाइम पे मैंने बोला कि अश्विनी नक्षत्र किसी भी भाव में हो और वहां कोई प्लैनेट ना भी हो, कोई प्लैनेट देख भी नहीं रहा हो, मतलब वो पूरा का पूरा भाव जो है वो ब्लैंक पड़ा हुआ है, तो भी उस भाव से रिलेटेड, अश्विनी नक्षत्र से रिलेटेड प्रिडिक्शन किया जा सकता है, पॉसिबल है। ओके, मतलब विदाउट राशि लग्न एंड गोचर ना? यस, विदाउट राशि लग्न एंड गोचर, ओनली पर्टिकुलर उस नक्षत्र को लेकर, उस भाव को लेकर हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। रिलायबल ना? यस, रिलायबल। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सुषमा जी। कोमल जी, आपका क्वेश्चन पूछे। नमस्ते सर जी। नमस्ते। अच्छा, ये क्वेश्चन था कि जो भी नक्षत्र है उनके पदार्थ भी होते हैं, राइट? यस, दे आर डिवाइडेड इनटू फोर पदार्थ। फोर पदार्थ, राइट? या तो ये जो फोर पदार्थ है, ये फोर पदार्थ में हर एक प्लैनेट का रोल डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। यस, राइट? यस, तो ये भी उसमें इंक्लूड होगा? बिल्कुल होगा, बिना पद के तो नक्षत्र का कोई वैल्यू नहीं है भाई, वो तो रहना ही है, वो तो बेस है। और उसमें प्लस लाइक हर एक पदार्थ वाइज जो पर्टिकुलर पर्सन के लिए कौन सा जॉब सुटेबल है। बिल्कुल, सिर्फ जॉब नहीं, सिर्फ जॉब नहीं, बहुत सारे एस्पेक्ट है उसके ऊपर। ओके, जॉब तो एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, बहुत कुछ है। ओके, फाइन। मैंने बोला था कोमल जी कि ये जो अश्विन नक्षत्र की टिप्पणी तो संक्षिप्त टिप्पणी है, बहुत छोटा है, तो बहुत बड़ी है इसकी, राइट? ओके, तो इसमें जो ये कोर्स है उसमें पूरा डिटेलिंग होगा, लाइक नक्षत्र का पूरी डिटेलिंग होगी, राइट? दैट इज नेम इज साइंस ऑफ नक्षत्र ज्योतिष। ओके ओके, फाइन फाइन, ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू। सर, इसकी प्रेडिक्शन किस टाइप से होगी वो थोड़ा बता देते। आप अपना प्लीज हैंड रेस करके आए, बिकॉज़ इट विल बिकम इजी एक्चुअली, और अपना नाम और फोटो भी ऑन करेंगे तो अच्छा है, अभी तो ओपो सर पे समझ में नहीं आ रहा। सही में पता नहीं चल रहा है, मुझे भी लगा अचानक से ये कहां से साउंड आ गया। क्या इसका आंसर बता देते हैं, आपका नाम ओपो को हटा के अपना नाम लिखे, इजी होगा प्रेडिक्शन। आप जब रिलेट करोगे प्लैनेट भाव को रिलेट करोगे, जैसे अभी सुषमा जी ने पूछा क्या हमें प्लैनेट और भाव चाहिए या राशि चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड, बट अगर आपके पास है और जब आप इसका रिलेट करोगे और जब उसका कॉम्बिनेशन लोगे तो नक्षत्रों की भूमिका बहुत स्पष्ट आती है, नक्षत्र का बिहेवियर से आप उसकी प्रिडिक्शन करोगे, जो सेंटेंस बनेगा ना वो स्पष्ट बनेगा, और वो इतना स्पष्ट सेंटेंस बनेगा कि अदरवाइज आप उसका इतना स्पष्ट सेंटेंस नहीं लगा सकते, नक्षत्र आपको क्लैरिटी ट्रांसपेरेंसी देगा। अब वो जैसे अभी मिथुन जी ने बताया आपको कि नक्षत्र जो प्लैनेट जिस नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र जब जब जाता है तो वो व्यक्ति कैसा होगा, अपने प्रेडिक्शन है। चंद्रमा जब अश्विनी में आएगा तो कैसा होगा, मंगल जब अश्विनी में आएगा तो कैसा होगा वो व्यक्ति, ये अपने आप में प्रेडिक्शन है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही। ऊपर जी आपका आवाज नहीं आया। यस सर, सर क्लियर हो गया, थैंक यू। और बट सर हम जैसे वो कैसे देखेंगे कि अगर कोई प्लैनेट जैसे ट्रांजिट में आ रहा है उसका रिलेशन भी हमें साथ में बताया जाएगा? साथ साथ कवर होगा, साथ साथ चलेगा ये सब। ओके सर, क्योंकि रिजल्ट तो उस टाइम आएगा ना जब ट्रांजिट में आएगा वो, साथ साथ चलेगा वो, बताया था मिथुन जी ने आज एग्जांपल दिया, अभी लाइव एग्जांपल ये जैसे आपको मंगल मेष अभी अभी हाँ अभी मैंने जस्ट एग्जांपल ये देखा दिया आपको कि आने वाले दो हफ्ते को बहुत माइन्यूटली अपने लाइफ में क्या क्या घटनाएं घट रही है उसको ध्यान माइन्यूटली चेक करके रखिए, इससे मतलब लर्निंग प्रोसेस एक्चुअली प्रैक्टिकली तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। सूर्यप्रकाश जी बोले आप। नमस्ते सर, आपके फैकल्टी आपका फैकल्टी सिलेक्शन तो बहुत ही जोरदार रहता है। अब आप ये बताइए कि एकेडमी के मेंबर और नॉन मेंबर का क्या डिफरेंस है, कैसे बन सकते हैं, कैसे एडवांटेज ले सकते हैं उसका? बहुत इजी है, मैं यहाँ पे एक बार ये लगा देता हूँ जो आपने क्वेश्चन पूछा ही है। सो लाइक गिव मी अ मिनट प्लीज, लेट मी पुट इट ऑन स्क्रीन। इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। मैं इसको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा। सो ये राइट एंड हिंदी में मैं यहाँ पे स्लाइड लगा देता हूँ। ये कार्यक्रम रहेगा इसका नक्षत्र का पूरा वैदिक ज्योतिष नक्षत्र ज्ञान पे, नक्षत्र पाया जो अभी पथ की बात कही थी, अभी नक्षत्र ज्योति अभिजीत मुहूर्त जन्मून
नक्षत्र जन्म तारा नक्षत्र की वर्गीकरण गोली के आधार पे प्रकृति मून के आधार पे दृष्टि के आधार पे लिंग के आधार पे योनि के आधार पे नाड़ी के आधार पे तत्वों के आधार पे नक्षत्र की पूरी गणना 27 के 27 नक्षत्र अश्विनी से लेकर रेवती तक नक्षत्र ग्रहों की ग्रह की तारों की स्थिति का प्रभाव कैसे पड़ता है मतलब कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा नक्षत्र और लगन व ग्रह का फल नक्षत्र प्रश्न लगन नक्षत्र फल विचार तो ये मतलब बड़े संक्षिप्त रूप में लिखा है बट ये कंप्लीट जर्नी ऑफ नक्षत्र साइंस है अगर आपने ये पूरा समझ लिया पढ़ लिया तो नक्षत्र के पर्सपेक्टिव से यू विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोलॉजर एंड यू एबल टू डू वेरी गुड प्रेडिक्शन नक्षत्र ठीक है यही चीज मैं यहाँ इंग्लिश में लिखी है बट यही हिंदी में लिखी है तो आई जस्ट कवर इन टू दी हिंदी राइट कमिंग टू दी सब्जेक्ट सैटरडे संडे क्लासेस रहेंगी इसकी 2 बजे का क्लास का टाइम रखा है अभी हमने और 2 महीने का कोर्स है ये सारी जूम पे लाइव होंगी सबकी रिकॉर्डिंग्स होंगी सारी रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा स्टडी नोट्स समरी ऑफ स्टडी नोट्स आपको मिलेंगे इसके ठीक तो ये आपको इसमें मिलेगा प्लस ये जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं मतलब दोज हु आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन एनी ऑफ आवर कोर्स अर्लियर द फीस इज 1579 पर मंथ है अगर 2 मंथ की इकट्ठी पे ऑफ करते हैं तो देयर इज अ 15% डिस्काउंट कम्स टू 2685 जो लोग फर्स्ट टाइम एनरोलमेंट कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट पे इससे पहले अकेडमी में एनरोलमेंट किसी और सब्जेक्ट में नहीं किया दैट विल बी कंसीडर्ड एज द न्यू पार्टिसिपेंट इनका फीस 2107 है 2 महीने का बट इफ दे पे टुगेदर देयर इज अ 25% ऑफ फॉर देम दैट द फीस इज 315 दीज आर द डिटेल्स ऑफ द फीस आप किसी भी एक नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं बट हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि स्क्रीनशॉट इन्हीं दो नंबर पे भेजें जो साइड पे लिखे हुए हैं कि उससे अकाउंटिंग बिकम ईजी और उसको हम एसेस कर पाते हैं इसी 2 नंबर को स्क्रीनशॉट के लिए यूज किया तो ये पेमेंट डिटेल्स है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम ग्रुप पे भी टॉप कर देंगे इसको तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एकेडमी मेंबर एंड नॉन मेंबर जो आपने पूछा सूर्य प्रकाशी अभी तो जिन्होंने किसी भी एक कोर्स में जैसे सूर्य प्रकाशी आपने बैक फ्लावर पहले किया हुआ तो यू आर ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग पर्सन एंड यू आर द मेंबर ऑफ दैट योर इज द फर्स्ट एंड एप्लीकेबल 15% ऑफ 2685 दोज हु डिड नॉट डिड एनी कोर्स फ्रॉम द एकेडमी एनरोलिंग फर्स्ट टाइम their fee structure is 2107 and by paying 2 months together it will be 315 25% off that's how the design is right I think Surya Prakash ji aapka answer maine kar diya right wo member kaise banta hai aur non member kaise rehna arre bata to diya sir agar aapne koi bhi course kiya hai academy mein to you are part of the academy considered you as a member as a family member so unko academy apne aap ek advantage deti hai jo aap जो आप ऑलरेडी हो राइट जिसने कोई भी एकेडमी से कोर्स नहीं किया जिन लोगों ने वो दे आर द फर्स्ट टाइम सो दे आर कंसीडर्ड एज नॉन मेंबर उनको एनरोलमेंट एक कोर्स कर लेंगे द सेकंड क्लास ऑनवर्ड उनके लिए भी मेंबर फैमिली मेंबर का जो ऑप्शन है वो उनके लिए भी ओपन है दीपक जी आपका क्वेश्चन पूछे दीपक जी की बात जा रही रवि जी आप कौन से सर कौन से राशि में कौन से दोष है जैसे पितृ दोष है या काल संयोग ये इसका निर्धारण कैसे कर सकते हैं सर ये तो सर ज्योति सर हमारे राजीव सर भी पढ़ाते हैं ना उसमें अपना वैदिक ज्योतिष वो तो ज्योतिष में एक पर्टिकुलरली वो बेस है तो उसका एक अलग ही टॉपिक है अलग ही एक कोर्स है तो वो सर राजीव सर पढ़ाते हैं हमारे मेरा पर्टिकुलर नक्षत्र से रिलेटेड है ये वाला कोर्स क्योंकि वो आपको वैदिक ज्योतिष के लिए सीखना पड़ेगा और वैदिक ज्योतिष में नक्षत्र की अपनी बहुत बड़ी भूमिका है उसका एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है नक्षत्र जो कोई आमतौर पर टच नहीं करता तो इसीलिए हमने एक प्रयास किया कि एक नक्षत्र का मिथुन जी की सहायता से एक नक्षत्र अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टडी करी जाए और उसकी गहराइयों में जाया जाए क्योंकि नक्षत्र बहुत बड़ी विद्या है और अनफॉर्चुनेटली ये विद्या धीरे धीरे केपी के नंबर के माध्यम से वीक होती जा रही है तो हर व्यक्ति नंबर नंबर में बात करता है और नंबर में जो नक्षत्र के साथ कनेक्ट हो रहा है वो कनेक्टिविटी नक्षत्र की वीक हो रही है तो उसी को थोड़ा सा एक रिस्टैब्लिश करने के लिए और ज्ञान आगे बढ़ाने के लिए राइट फॉर्मेट पे ज्ञान बढ़ाने के लिए नक्षत्र की साइंस पूरी साइंस और नक्षत्र जो है हमने इसका एक कोर्स डिजाइन किया ताकि आप लोगों को उसका फायदा मिल सके बट आपका जो प्रश्न है वो वैदिक ज्योतिष है वैदिक ज्योतिष आप अलग से सीख सकते हैं उसके लिए अकेडमी से संपर्क कर सकते हैं ओके रवि जी आपका प्रश्न पूछे आपकी आवाज जा रही है रवि जी अपने आप को म्यूट करें
एक्चुअली टाइमिंग 2 बजे की है आपकी, सैटरडे एंड संडे, सैटरडे को तो अटेंड करना बहुत मुश्किल है, तो क्या रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है सर? यस, ऑल क्लासेस रिकॉर्डिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू, ऑल क्लासेस इरिस्पेक्टिव आप ज्वाइन करें या नहीं करें, रिकॉर्डिंग आपके पास आएगी और सारी क्लासेस। सैटरडे को एक्चुअली सैटरडे ऑफिस का रहता है चक्कर, इसलिए नून में बहुत मुश्किल है ज्वाइन करना। अच्छा, दूसरी चीज, मैंने आपका फर्स्ट टाइम ही देखा है ये, तो हम लोग एग्जिस्टिंग मेंबर तो अभी आज ही देखा, फर्स्ट टाइम ही देखा, तो मतलब उसका भूल इतना बड़ा कि हमें पैसा ज्यादा देना पड़ेगा? एक ये एकेडमी का रूल है, तो वो आपको थोड़ा सा, बट यू विल बी द पार्ट ऑफ फैमिली, सो वंस यू बी पार्ट ऑफ द फैमिली यू विल बी कंसीडर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ बेनिफिट्स एंड द प्रोवाइडेड बाय द स्कीम्स प्रोवाइडेड बाय द कैपिटल। चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, ऐसे एक मजाक किया, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। किसी और का कोई प्रश्न है, किसी और का कोई फीडबैक है, कोई और कुछ शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं। एंड आई थिंक देयर आर, आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल सिटिंग हियर जो मिथुन जी से पामिस्ट्री सीख रहे हैं। आई थिंक अलका जी आप पामिस्ट्री सीख रहे हैं मिथुन जी से? हाँ जी, बहुत सारे लोग हैं जो पामिस्ट्री सीख रहे हैं, राइट, उनके लिए और भी अच्छा होगा। यस, उसके लिए पामिस्ट्री को कनेक्ट करने के लिए बहुत फायदेमंद होगा, इट्स बीन वेरी पावरफुल। गोमत जी आपका प्रश्न पूछे, अपना प्लीज माइक वीडियो ऑन करके आपका प्रश्न पूछे। गोमत जी आपका प्रश्न पूछे। सर मुझे ये पूछना है, ये 2 मंथ्स में सारे 27 नक्षत्र का हो जाएगा ओनली सैटरडे संडे क्लासेस में? यस। और ये कितने हाउस की क्लास होगी? करीब 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है, 1.5 घंटा मिनिमम होती है, 2 घंटे तक चली जाती है, मतलब डिपेंड्स क्वेश्चंस कितने हैं कैसे है, वो 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहती है, कोई भी क्लास हमारी 1.5 से 2 घंटे की रहती है। Okay. And once the class is completed, or उस related या after the course is completed, तो उसके बाद जब भी हम कुंडलीज देखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्वेश्चंस अराइज होते हैं, तो उसके बाद भी लाइक मुझे कुछ भी कंफ्यूजन है, तो प्रैक्टिस ग्रुप रहता है, प्रैक्टिस ग्रुप आपका अपना प्रैक्टिस ग्रुप जो होता है वो ओपन रहता है, उस प्रैक्टिस ग्रुप पे ड्रॉप करेंगे तो कई बार सेक्रेटरी तो आंसर कर देते हैं, कई बार आपके जो सहयोगी होते हैं वो भी आंसर कर देते हैं, तो प्रैक्टिस ग्रुप ऑलवेज बी ओपन। ओके, तो ये मतलब जो सहयोगी आंसर देंगे या जो सहयोगी मतलब आपके अपने जो बैचमेट्स होंगे, बैचमेट होंगे। ओके, तो उन्होंने राइट आंसर दिया है नहीं दिया है वो वेरीफाई, उसके लिए फिर फैकल्टी चेक कर लेते हैं या मैं भी चेक कर लेता हूं या हम लोग चेक कर लेते हैं बीच बीच में। ओके ओके, एंड वी कैन कोऑर्डिनेट लाइक इन केस मुझे आपसे कोऑर्डिनेट करना है, दैट द आंसर इज कर सकते हैं ना। मैं एक बात कहना चाहता हूं कोमल जी को कि अगर आपको जैसे अप्रूवल लेना है कि ये सही बताया या नहीं बताया, तो उसमें जो आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा ना, एग्जाम्पल वो किसी ऐसे पॉपुलर इंसान का दिया जाएगा, पॉपुलर इंसान की कुंडली का दिया जाएगा जिसके बारे में आप जानते हैं या हम सभी जानते हैं, तब वो स्टैब्लिश ज्यादा होता है। क्योंकि अगर मैं किसी की उठा के आपको बता दूं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आपको लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ पता नहीं कितना सही है कितना गलत है। लेकिन अगर किसी, जैसे मैंने अभी यहाँ पर ब्रूस ली का नाम लिया था, तो ब्रूस ली को हर कोई जानता है कि वो क्या चीज थी, ठीक है, वो क्या चीज थे और मार्शल आर्ट में किस लेवल पे थे वो, तो वैसा ही एग्जांपल आपको समझाया जाए। ओके, बट वो तो आपने सिखा दिया, बट लेटर लाइक अभी मैंने नक्षत्र सीख लिया, राइट, और उसके बाद आई वांट टू स्टार्ट दिस एज अ व्हाट यू कॉल, मुझे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें जो आपके क्वेश्चंस उत्पन्न होंगे वो क्वेश्चन ड्रॉप कर दें और टाइम टू टाइम जो है हम लोग बीच में आंसर कर देते हैं, मिथुन जी कर देंगे और आपके अपने सहयोगी जो होंगे, मतलब आपके जो बैचमेट्स होंगे वो भी आंसर करते हैं। तो हम एज ए फैमिली भी 2 महीने बहुत बड़ा पीरियड होता है, 2 महीने में आप बहुत कुछ ऐसे सीख जाएंगे, उसके बाद भी अगर आंसर आता है तो प्रैक्टिस ग्रुप खुला रहता है। नहीं, बिकॉज ऐसे मैंने काफी बार नोटिस किया है कि लाइक मैं कोर्स कंप्लीट कर लेती हूँ, कोर्स कंप्लीट होने के बाद व्हेन आई स्टार्ट एनालाइजिंग तभी क्वेश्चंस अराइज होते हैं हमारा प्रैक्टिस ग्रुप बंद ज्यादा करके। ओके, फाइन फाइन, ऑलराइट, या थैंक यू। जो हमारे साथ कोर्स किया है ना जो भी, तो वी कंसीडर एज ए फैमिली मेंबर, वी डू नॉट कंसीडर एज ए ओनली वन टाइम किया तो इट्स ओके, वी डिड इट, नो नो, that is where the jo hame schemes hui hai, that is where we call always a family member, it's a member schemes, right?
सर टाइमिंग क्या रहेंगे? 2 बजे सर, ये वाइट वार्ड। 2 बजे से 5 बजे तक? 2 बजे से 4 बजे तक। अच्छा, 3:30-4 बजे तक। ठीक है, दोपहर के 2 से 4। ठीक है, बिल्कुल सही समय है हमारे लिए। सही समय, सही समय, बिल्कुल सही समय, नींद भी नहीं आएगी। ओके सर, चलिए ठीक है। एनीथिंग एनीबॉडी लाइक टू शेयर कोई भी फीडबैक, या आज का सेशन कैसा लगा उनको, या और कोई फीडबैक चाहिए करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है तो? It was almost like a mesmerized subject. Unique way of covering the subject. Thank you, Sri Prakash. Thank you, Ji. Thank you. Right, I can see a lot of people are switching off their videos. It could be the reason. dinner, lunch time, or how long? Lunch is ready. Okay. Right. So, if anyone has any passion, no, or no vision, no, then this subject, we are starting our journey. We are starting. जैसे आज एक समरी के अंदर आपको मिथुन जी ने अश्विनी नक्षत्र बताया, तो और 27 नक्षत्र इज गोइंग टू बी कवर, इंक्लूडिंग अभिजीत मुहूर्त जो 2500 नक्षत्र है वो भी कवर करेंगे, एंड इट विल बी इन डिटेल स्टडी। राइट, आज जब आप इसको रिलेट करेंगे ज्योतिष की दुनिया में नक्षत्र की अभी बहुत बड़ी भूमिका है और ये बहुत मजेदार भूमिका है। नक्षत्रों के साथ अगर प्लैनेट रिलेट करके आपके सामने वाले के बारे में बता दोगे, सामने वाले चकित रह जाएगा सब कैसे बताएगा। ये तो अश्विनी नक्षत्र, चलो आम तौर पर सबको पता होता थोड़ा बहुत, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना नक्षत्र, जब पुरुष योग के 5-7 नक्षत्र आदमी आमतौर पर बोल देता है, तब जैसी वो संख्या 10 से क्रॉस होती है ना, लेयर 2 पे आती है, लेयर 3 पे आती है, तब इंसान फ्लैट हो जाता है, जहां तक इंसान आमतौर पर नहीं पहुंचते। बिल्कुल सही बात। तो वो जो कनेक्टिविटी आपको मिलेगी ना, वो मजेदार कनेक्टिविटी होगी, उसके साथ जो काम करोगे उसका अनुभव भी कुछ अलग होगा। राइट, तो आप सब लोग यू आर मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट सैटरडे से क्लास शुरू हो जाएगी, दोज हु आर वांट टू एनरोल प्लीज गेट योर एनरोलमेंट डन फास्ट। ठीक, एंड इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि नक्षत्रों का कोर्स बहुत मुश्किल से होता है, एंड आई हैव सीन दैट नक्षत्र को जो ब्लैक में लगाता है, इट्स अ वेरी फैंसी फीस स्ट्रक्चर्स, 50,000 से लेके कई 70-80,000 तक कुछ देखें, बिल्कुल, एंड वेरी वेरी फैंसी फीस स्ट्रक्चर्स को होता है, एंड दैट्स अ ग्रेटनेस ऑफ मिथुन जी दैट ही एग्रीड टू डू द नक्षत्र कोर्स हियर एट दिस प्लेटफॉर्म, and he knows that this platform is a non-profit organization. So thank you Mithun ji. मैं एक बार ये chart यहाँ पे दोबारा लगा दिया, जिन लोगों को ये chart का photo चाहिए please take a picture of it, and और ये group पे मैंने एक link दिया हुआ है on the chat पे, उस link को join कर लें ताकि आपको ये information temporary share कर देंगे। अलका जी नाइन डेज के, अलका जी आपका question बोले, unmute करने का जी। अगर next Saturday से start हो रही है जी मैडम, next Saturday से start this subject. So please get yourself enrollment soon. ठीक है, नहीं back to back हो जाएगा ना अपना वास्तु का, ठीक है, there is a gap, मतलब it's like 2 o'clock start होगा, 3:30 quarter to 4 तक खत्म हो जाएगा, अपना 4 का है ना advance, ये हो जाए। और आपको मैं बताता हूँ वास्तु में we are going to start the advance, वास्तु में we are going to start the मुहूर्त ना, मुहूर्त में नक्षत्र का बहुत बड़ा योगदान है, एक्चुअली नक्षत्र का बहुत ज्यादा योगदान है, और जितने भी गणना की जाती है ना उसमें मेजर गणना नक्षत्रों से होती है, मेजर गणना करना तो है, बट वही टाइम का कंस्ट्रेंट थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, संडे सैटरडे वैसे ही कुछ ही रहता है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, और आफ्टर दैट यू विल बी चैंपियन। ओके, चलो देखते हैं, होपफुली एंजॉय, थैंक्स। थैंक यू। किसी और का कोई प्रश्न नहीं है तो आज का हम वेबिनार को समाप्त करने की आप सबसे आज्ञा चाहेंगे, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए, आपका समय देने के लिए, कीमती समय के लिए, मिथुन जी का बहुत बहुत शुक्रिया, मिथुन जी आपने धन्यवाद समय दिया, थैंक यू राजीव सर, थैंक यू मिथुन सर, थैंक यू बोथ ऑफ यू सर, थैंक यू।